हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाले ये स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक के बारे में आपको मैं बहुत सारे रोचक से बातें बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह कैफिनेटेड बीवरेज है, यानी कि इसमें ज्यादा मात्रा में कैफीन है। जो भी अलर्ट रहने के कामकाज करने वाले लोग हैं वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अलर्टनेस बढ़ाने के लिए। ये एनर्जी प्रोवाइडर है ऐसा कहा जाता है, इस माइंड को स्टिमुलेट करता है। देखिए, यहाँ पर एनर्जी 70 किलो कैलोरी लिखी हुई है। दोस्तों, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना। कुछ प्रिकॉशनरी बात बताने चाहूंगा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या फिर बच्चों को जो दूध पिलाती है लैक्टेटिंग वुमन के लिए नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये महिलाएं जिन्हें भी पीरियड आए है वो पीरियड में भी इसका इस्तेमाल ना करें। कंटेंस कैफीन यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है 72 मिलीग्राम पर सर्व, यानी कि इसमें 72 मिलीग्राम आपको कैफीन मिलेगा। और कैफीन कभी भी अगर पीरियड में लिया या फिर कॉफी लिया जिसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा रहती तो पीरियड हैवी हो जाते हैं। स्ट्रिंग एनर्जी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एनर्जी ड्रिंक कहा जा सकता है। ये 20 रुपीज में मिलता है, 250 ml का मेरे हाथ में ये बोतल है। अब जान लेते हैं कैफीन अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया तो क्या हो सकता है। दोस्तों, कैफीन अगर आपने 140 मिलीग्राम से ज्यादा लिया, यानी कि इसकी 2 बोतल भी ज्यादा ली तो आपको हेडेक हो सकता है, इनसोमनिया यानी कि अनिद्रा की समस्या हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है और शेकीनेस हो सकता है, नर्वसनेस बढ़ सकता है, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, आपकी यूरिन की समस्या बढ़ सकती है, यानी कि आपको फ्रिक्वेंटली बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो जाहिर बात है कैफीन अगर आपने ज्यादा लिया, कोई यही नहीं, कोई भी अगर कैफीन की कोल्ड ड्रिंक ली या फिर कैफीन कॉफी या फिर चाय लिए तो डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ती है, ज्यादा आप पेशाब करने के लिए जाओगे, इसका मतलब डिहाइड्रेशन आपको होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। ये प्रिकॉशन रहा। और अभी मैं कहता हूं, ये अगर आपने ज्यादा लिया कोई भी कैफीनेटेड ड्रिंक अगर आपने ज्यादा लिया तो आपको यूरिन में कंट्रोल करने की समस्या आ सकती है, जिसके कारण आप जल्दी जड़ भी जा सकते हो। इसके इस्तेमाल से फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है या फिर मसल ट्रेमर्स आ सकते हैं। ये रहे सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। ये सारा जो स्टडी है ये हम कंप्यूटर पे देख के करते हैं, वहां पर जो भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं। मैं यही कैफिनेटेड ड्रिंक के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जो भी मार्केट में अवेलेबल कैफिनेटेड कोल्ड ड्रिंक से जिसमें ज्यादा मात्रा में है उसके बारे में कह रहा हूं। तो होशियार रहे, ज्यादा ज्यादा ना ले इसे, एक बोतल दिन में से एक काफी रहा, प्रिकॉशनरी बता रहा हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।